स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज आपको पता चल गया कि आपके वर्ल्ड कप के खिलाड़ी कौन से होंगे। हालांकि आज तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैच और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे टीम का ऐलान हुआ, लेकिन यह साफ है कि वर्ल्ड कप भी इन्हीं में से कोई जाएगा, लेकिन एक खिलाड़ी का पत्ता कटेगा क्योंकि 16 खिलाड़ियों का ऐलान हुआ और 16 में से एक खिलाड़ी ऐसा होगा जो वर्ल्ड कप नहीं जाएगा, बाकी 15 जाएंगे। यहां से सिलेक्टर्स अब एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की T20 टीम में वापसी हो गई। अब ये समझ नहीं आया क्योंकि अब से तकरीबन 1.5 महीना पहले जब उन्होंने वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 3-3 T20 मैचों में टीम में जगह नहीं मिली थी, तो विराट कोहली ने आकर कहा था कि माही भाई ने खुद कहा था कि मुझे अब T20 में मत खिलाइए, आप ऋषभ पंत को ग्रूम करें। लेकिन अब एकदम अचानक से धोनी की वापसी, कुछ लोग कहते हैं कि उनको मैच प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर आज मैच प्रैक्टिस की जरूरत है तो वो मैच प्रैक्टिस की जरूरत 2 महीने पहले भी थी, तो सब कुछ गोलमोल सा ही चल रहा है। लेकिन यह है कि आपकी वनडे टीम में वर्ल्ड कप की तस्वीर दिख रही है। ऋषभ पंत की छुट्टी हो गई है वनडे टीम से, मौके उन्हें मिले थे, शायद रन नहीं बल्कि आउट होने के तरीके से उनका नुकसान ज्यादा हुआ है। केएल राहुल है टीम में अभी भी, और यह भी आप जानते हैं कि इम्कानात हैं मेलबर्न टेस्ट मैच में, वो भी साफ है कि शायद केएल राहुल और मुरली विजय ही वहां पर ओपन भी करेंगे। मदन जी मेरे साथ हैं और मदन जी वर्ल्ड कप की टीम पर आज चैट करेंगे, आज बात वर्ल्ड कप की टीम पर होगी, तो आइए देख लेते हैं कि टीम किस तरह की चुनी गई है और इसमें क्या क्या और गुंजाइश है। यही है आपकी वर्ल्ड कप की 15, एक खिलाड़ी की छुट्टी होगी, अब वो केएल राहुल होंगे या एक तेज गेंदबाज होंगे या रविंद्र जडेजा होंगे। सिलेक्टर्स ने ऑप्शंस रख ली हैं प्लेट में सजाकर। नहीं देखिए, मोर ऑर लेस यही टीम है क्योंकि यही पीछे खेलती आई है और यही जितना ज़्यादा इनको एक्सपोज किया जाएगा उतना ज़्यादा मैं समझा कि इनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जो फॉर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो केएल राहुल काफ़ी एज पर हैं, अब उनको मौका मिला अगर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो फिर तो मैं केएल राहुल की गुंजाइश है क्या वर्ल्ड कप की टीम में, क्या उन्हें वनडे टीम में जगह मिलनी चाहिए? नहीं देखिए, आपके पास तो ओपनिंग पेयर है ही, शिखर धवन और अपना रोहित शर्मा, उसके बाद आपका वो आपके पास विराट कोहली है नंबर 3 पे और दिनेश कार्तिक फ्लोटर है, दिनेश का बीच में है ही है, तो उनका जरा मैं समझता हूँ कि काफी टाइट सिचुएशन चल रही है इस वक्त। जडेजा को मेरे हिसाब से लेके जाना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि तीन स्पिनर्स आप कह रहे हैं, यूटिलिटी क्रिकेटर है, देखिए उसको कभी भी आप कहीं भी रख सकते हैं, फील्डर प्लस बैट्समैन और प्लस आप बॉलर, तो ऐसा प्लेयर तो चाहिए आपको वर्ल्ड कप के लिए, कहीं ना कहीं जाकर आप फिट हो जाता वो। तो चलिए, T20 टीम का भी ऐलान हुआ है वैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और बड़े मजे की बात यह है कि उसमें महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हुई है। अब देखिए, आज से 2 महीने पहले जब वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मैच और ऑस्ट्रेलिया वाले 3 T20 मैच के लिए टीम का ऐलान हुआ था, तब सिलेक्टर्स ने फैसला किया था कि धोनी T20 में नहीं। फिर विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि माही भाई ने खुद कहा था कि भैया मुझे इस फॉर्मेट में आप जगह मत दो, आप ऋषभ पंत को ग्रूम करो। ऋषभ पंत है अभी भी T20 टीम में, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी T20 में वापस आए। अब इसके पीछे तर्क शायद यह आएगा कि उनको मैच प्रैक्टिस की जरूरत है और होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो 6 मैच छोड़ना वाजिब था? वहां पर भी तो मैच प्रैक्टिस चाहिए थी, उसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेली, तो 6 मैच वो छोड़े, रणजी ट्रॉफी नहीं खेली, 2 महीने का गैप हो गया। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सिलेक्टर्स में कोई दम नहीं है भाई आप किसी प्लेयर को जाकर कह सकें, क्योंकि आप नेशनल सिलेक्टर आप अपनी बात कह सकते हैं, भाई देखो आपको तो ये तय कौन करता है, ये कप्तान कर रहे हैं, सीनियर खिलाड़ी कर रहे हैं या फिर सिलेक्टर कर रहे हैं? तय तो करता है सिलेक्टर्स। नहीं, अभी अभी हकीकत में क्या हो रहा है? हकीकत में देखिए, आप तो इन्होंने फिर दोबारा किस लिए बुलाया गया है, जब उन्होंने कह दिया था कि मैं 2020 मेरे को कंसीडर ना करे, अब मेरे को लगता है पहले ड्रॉप क्यों किया था, पहले ड्रॉप क्यों किया था, या मेरे को लगता है कि वो स्टेबिलिटी उनको नजर नहीं आ रही जो जिस नंबर पे MS धोनी खेलते हैं, तब वो थोड़े से घबराए हुए हैं, इसी वजह से उनको उनको कहा गया भाई आप आगे 2020 के मैचेस के लिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस का क्या मतलब, प्रैक्टिस करनी है तो रणजी ट्रॉफी भी खेल सकते हैं, प्रैक्टिस तो ये 6 मैच नहीं छोड़ने चाहिए, 6 मैच नहीं छोड़ना चाहिए, धोनी का नुकसान किया, इससे अच्छा प्रैक्टिस तो 6 मैच चाहिए थे, बिल्कुल चाहिए थे। अरे ये क्या किसकी प्लानिंग है, हम प्लानिंग से ही मार खा जाते हैं,
अब जब हम कोई बात करते हैं उसमें कोई कन्विक्शन नहीं है वाकई में। ये सच है, ये सच है कि मतलब वो कहते हैं ना लेफ्ट हैंड शुड नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग, वो चीज हो नहीं रही। देखिए विराट कोहली ने कुछ बोला पर्थ टेस्ट मैच हारने के बाद, रवि शास्त्री साहब ने आकर कुछ बोल दिया रविंद्र जडेजा को लेकर, अब सौराष्ट्र की टीम के कोच सितांशु कोटक ने ये बोला कि नहीं भैया वो अनफिट नहीं थे, वो तो अच्छे भले ये रणजी ट्रॉफी का मैच भी खेले। तो सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, बहाने कौन बना रहा है, ये सारी की सारी ना जलेबी बन गई है। तो फिर कहानी यही है कि टीम मेलबर्न में है, दो दिन बाद टेस्ट मैच है, एक ऐसा टेस्ट मैच अगर भारत जीतेगा तो सीरीज जीतने का सपना भी जो है वो जिंदा रहेगा, लेकिन अभी भी भारत अपनी 11 को चुन नहीं पाया है। ये तो छोड़ दीजिए अब डिबेट कि इसने ये बोला उसने वो बोला उसने वो बोला, पता नहीं ये सब चल रहा है एक साल से, जब जब हम विदेश में जाकर हारते हैं तो यही बातें होती है। लेकिन अब क्या आपके लिहाज से ओपनर्स वही दोनों होने चाहिए, क्योंकि इम्कान तो यही है कि केएल राहुल और मुरली विजय ही शायद ओपन करने आएंगे, क्या वो बार बार अब रिस्क लेते जा रहे हैं, वाजिब है रिस्क? देखिए वाजिब तो नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों जो ओपनर हैं आपके बहुत आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, मैं अगर इन्होंने रन नहीं बनाए ऊपर से तो ये मैच नहीं जीत सकते, मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ आपको। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, क्योंकि हमेशा देखिए विराट कोहली के ऊपर जंकिया रन और पुजारा के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, 12 पे 2 आउट 15-20 पे 2 आउट, तो आप बार बार क्यों रिस्क ले रहे हैं, क्यों रिस्क ले रहे हैं? को खिला दीजिए, अगर इतना शोर मचाया है मयंक अग्रवाल का तो उसको खिलाइए, अगर वो फिट होता है तो वो ठीक बात है, आपको एक ओपनर मिलेगा, आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते। और जो भी आप बात करते सच्चाई बोलिए, आपको सच्चाई से सारी कंट्रोवर्सी आगे चल जाएगी। सही बात है, मुझे तो मदन जी ये नहीं समझ आता कि आधी टीम वहां पर इंजर्ड है और फिजियो ट्रेनर जो है वो 11 खिलाड़ियों को देखें या उनको देखें जो वहां पर रिहैबिलिटेशन के लिए। हार्दिक पांड्या को ये बार बार कहते रहे हम मिस कर रहे हैं मिस कर रहे हैं, अब रवि शास्त्री कहते हैं वो तो एक ही फर्स्ट क्लास मैच खेले, अरे उसमें क्या हो गया, अगर वो एक ही फर्स्ट क्लास मैच खेले तो लेकर ना जाते, आप उनको वनडे के लिए रिहैब कर रहे हो या आपको टेस्ट मैच में खिलाना है, समझ नहीं आता। खैर बीसीसीआई के पास पैसे इतने हैं, वो 19 की बजाय 69 लोगों को भी वहां पर छोड़ सकता है। छोड़िए, आज यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर सवाल क्या है, आज फटाफट आप सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक को, आपकी आवाज है ये, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, क्या ये है वर्ल्ड कप की टीम, क्योंकि ब्लूप्रिंट आपके सामने है, 16 खिलाड़ी हैं, इनमें से शायद एक की छुट्टी होगी, 15 खेलेंगे वर्ल्ड कप, तो क्या ये वर्ल्ड कप जिताने वाले 15 हैं, आपके लिहाज से वो एक खिलाड़ी कौन बाहर हो सकता है, आपके सवाल 8 बजे के लिए तैयार रखने हैं, YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है। टेस्ट मैच से खबर यही है कि अभी भी 11 तैयार नहीं है, रोहित शर्मा भी शायद फिट है, रविचंद्रन अश्विन शायद नहीं फिट है, ये तमाम तरह की बातें हैं, या जिनके रहने भी कह रहे हैं कि हो सकता है मेरी फॉर्म वापस आ जाए, मैं 100 के बजाय 200 भी बना सकता हूं। और आप याद करें 4 साल पहले रहाणे ने यहां पर 100 बनाया था, ये आखिरी मौका है भारत के लिए, अगर सीरीज जीतनी है तो मेलबर्न जीतना होगा। फिलहाल YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक की हम बात कर रहे हैं, रात 8 बजे वर्ल्ड कप की बात होगी, क्योंकि 16 खिलाड़ियों का ऐलान हुआ है, इनमें से 15 जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। ये तस्वीर है, क्या ये तस्वीर मुकम्मल है, क्या ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, आपको YouTube पर जाना है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, अपने सवालों को तैयार रखना है, बल्कि अपनी वर्ल्ड कप की टीम को भी तैयार रखना है। तो हम और आप मिलेंगे 8 बजे स्पोर्ट्स तक पर, लेकिन ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट।